बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा दूसरा दिन खेतों में काम करने का, तो कल सारा दिन ही हम यहाँ रहे हैं डेरे पे, काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो मैं तो थक गया था। जैसे ही घर गए हैं सात बजे हम घर पहुँचे, रोटी वगैरह खाई, मैं सो गया। अब सुबह 6 बजे उठा, बाकी तो चले गए मेरे साथ ही, मैं और अदील पीछे हैं, क्योंकि घर वाले जगाते थे, मैं तो उठा ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा जिस्म दर्द कर रहा था। बाकी यहाँ सूरज निकला है, कल तो बादल थे, आज हमें बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी लगेगी, और बाकी काम भी करना। कल बादल थे तो काफ़ी इंजॉय किया, आज धूप लगी है तो आज भी काफ़ी ज़्यादा काम है। चलो चलते हैं डेरे पे, आज भी सारा दिन ही डेरे पे रहना। तो अभी हम आ गए हैं डेरे पे, तो ये वाले खेत में से हमने पनीरी को ये देखे इस तरह ना बांधना है। तो तायब जन सबसे पहले आए हैं सुबह के, और कोई भी नहीं आया, मैंने तो समझा था सब चले गए, मैं पीछे आ गया हूँ, और अदील अबू जी भी नहीं आए, और भाई माजिद भी नहीं अभी आया। अभी हम भी इसके अंदर जाते हैं और अपना हुलिया उगाते हैं और काम शुरू करते हैं। ये मेरी नशिस्त है जिसके ऊपर मैंने बैठना, और इस साड़ी को मैंने तहस नहस कर देना। चलो फिर काम करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी भी नहीं आया इसके अंदर, कल पानी था ना, कल ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये पीछे मिट्टी है ना, इसको फिर हम पानी में हिलाते थे उतर जाती थी। अब ये इसके साथ ही रहेगी, या तो थोड़ी देर बाद पानी लगा ले शायद हम। इस तरह एक एक ना दिन का हमने इसी तरह साड़ी उखाड़नी है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ये जो अंगूठा है ना, इसको जब इसके ज़रिए खींचते काफ़ी ज़्यादा दर्द करता बाद में, तो इस तरह मैं इसको जमा करता जाऊँगा। बाद में ये पड़ी हुई है इस तरह मेरे करीब, इसको फिर हम बांध देंगे इस तरह। आज फिर ठंडा मौसम बन गया, सुबह काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई थी, तो अब काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम बन गया, बादल भी काले आए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। तो बाकी हमारा काम जारी है, बारिश आ रही थी, मेरा मोबाइल बाहर इधर पड़ा हुआ था इसके ऊपर, तो मैंने कहा इसको ना महफूज करा, इसके अंदर पानी ना चला जाए। बाकी ये इस तरफ देखे कितने काले बादल आए हुए हैं चारों तरफ से, ठंडी हवा चल रही है। टाइम हो गया है 4 बजे का, तो सुबह के काम कर रहे हैं, तो अब सांस लेने का मौका मिला है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा व्लॉग शूट कर लें। तो काफ़ी ज़्यादा सांस आ रही है, पनीरी वाला काम भी है अल्लाह के फजल करम से मैंने और भाई माजे ने ख़त्म कर दिया, हम दोनों के सबूत था। तो बाकी अदील और ताया बुजा खाला खा रहे थे, हमने अपना काम ख़त्म कर दिया, उन्होंने की साथ मदद कराई। अब तो अब हमें छुट्टी हो गई है, हमारी फ़ौज आजकल कम आ रही है क्योंकि सब काम पे जाते हैं ना, इसलिए मैं अदील और बांजन भाई फ्री हैं और ताया बूजान, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। अगर सब छुट्टी लेकर आ जाए तो 2 दिन का काम है बस, तो बाकी उन्होंने काम पे भी जाना होता है इसलिए वो नहीं आते, हम तीनों ही आते हैं, जितना काम हो सकता है हम तायाबू के साथ करवाते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पनीरी का काम किया और जो खाला खाला, अब हम जाने लगे वापस। आप पहले मेरा हुलिया देखें, ये देखें, ये सारा गंदे पानी में बैठ बैठ के हुआ है। चावल खाना आसान नहीं है, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, तो इसलिए अब मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ जो हमने किया। और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा आई थी, तकरीबन 1 घंटा तो लगातार आती रही है, लेकिन किनमी आती रही, मतलब कि थोड़ी थोड़ी आती रही है, तो लेकिन 1 घंटा लगातार होती रही, और हमारी
वो डेरे की छत ना वो गिर गया, उसके नीचे बिल्ला आ गया था। अबू जी ने और असलम जाने निकाला, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जिसके नीचे वो आया था। हमारा पहले ये काम देखें भाई, ये सारा हमने निकाल लिया पनीरी वाला काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ है, सुबह के लगे हुए हैं। बाकी ये भी हमने करनी है पनीरी, ये भी सारी अभी वो सारी की मैंने और भाई माजदानी दो आदमियों ने वो किया सारी। अभी इस तरफ देखें आप, ताया अबू जान अदील और भाई माज लगे हुए खाले को साफ़ करने के लिए, जो हमने अभी किया ये देखें, ये सारा जिसमें पानी लगाते हैं। काम का खत्म करके घर वापस आ गया तो मैं नहाया हूँ, तो कपड़े चेंज कर लिए, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। और ये जो अंगूठा है ना ये बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि इसके ज़रिए हम पनीरी को उखाड़ते थे तो पकड़ते तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। सुबह के लगे हम तो अभी 5 बज चुके हैं, अभी घर वापस आए काम ख़त्म करके। अल्लाह के फजल करम से काम ख़त्म हो ही गया, लेकिन 4-5 दिन इसी तरह हमने लगातार डेरे पर रहना है, काम करते रहना, क्योंकि जब तक चावल की फसल नहीं लगेगी तो हमारी जान ही छूटेगी, तो हमें ये लगानी पड़ेगा। अभी मैं नहाया हूँ तो मुझे भूख लग गई है, सुबह की रोटी गई थी डेरे पे वो खा लिया, तो अभी मैंने कहा चलो घर जाके खाएंगे। अभी तो रोटी में है आलू उल्लू भी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा सालन, मैं बस इतना ही सालन खाता हूँ, मैं ज़्यादा सालन नहीं खाता। और ये सुबह की रोटी पड़ी हुई है अभी, तो ये खाते हैं जिस भी मैंने खानी, जल्दी जल्दी आ जाए। तो अभी मैं रोटी वगैरह खा के ऊपर आ गया हूँ, बादल अभी भी बने हुए हैं, ये देखे कितना प्यारा सीन बना हुआ है बादलों को, ओए होए मैंने तो अब देखा है। तो बाकी मैं हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मैंने ना सोना है, एक और चीज़ दिखाता हूँ, शायद बच्चे खेलने हैं वो, हाँ सामने बच्चे देखे खेलने हैं, जिसको कहते हैं ना चौक डंडा, वो खेलने हैं खेल, कभी हम भी खेला करते थे, हम मसरूफ हो गए कामों में। तो बाकी ये थे मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ पसंद आया, तब तक बाय बाय।